इन दिनों मार्केट में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है आईपीओ के बारे में, और रिसेंटली ही एक अच्छा आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक एक आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके फाउंडर के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड जो कंपनी है, इसके फाउंडर है मिस्टर अशोक सूता। ये इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और काफ़ी ज़्यादा वेटरन और रिस्पेक्टेड पर्सनल माने जाते हैं आईटी इंडस्ट्री के, क्योंकि इन्होंने विप्रो में काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्व किया है। उसके बाद इन्होंने माइंडट्री नाम की कंपनी जो है काफ़ी फेमस है, को फाउंडेड बाय मिस्टर अशोक सूता है ये भी। और जो विप्रो का सबसे ग्लोरिंग पीरियड था 84 से लेकर 99 तक, उस टाइम पे विप्रो की ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए इनको माना जाता है। इन्होंने $2 मिलियन की विप्रो कंपनी को $500 मिलियन की कंपनी बनाने का काम किया है 1999 तक। उसके बाद 1999 में ही इन्होंने नई कंपनी फाउंड करी है जो कि माइंडट्री है, जिसको फिलहाल एलएनटी ने एक्वायर किया है। 2011 में माइंडट्री से इन्होंने रिजाइन करके नई कंपनी चालू की है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। सबसे मेन चीज़ जो है, इसके प्रमोटर है काफ़ी ज़्यादा वेटरन और रिस्पेक्टेड पर्सनल है आईटी इंडस्ट्री के। आइए अब दूसरी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका बिजनेस क्या है, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड जो कंपनी है ये काम क्या करती है। तो फर्स्टली ये जो कंपनी है ये B2B बिजनेस में है। हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो बेसिकली 3 बिजनेस के अंदर डिवाइड करती है अपने आप को, जिसका पहला बिजनेस है डिजिटल सर्विसेज, दूसरा बिजनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और तीसरा बिजनेस है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इनका जो 97% ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है डिजिटल सर्विसेज से। तो इनका जो डिजिटल बिजनेस है, इसके अंदर ये लोग डिजिटल प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो करने की कोशिश करते हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है कंपनी के अंदर उसको ऑटोमेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई कंपनी है या आपका कोई बिजनेस है, उसकी जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को पूरा ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट्स के अंदर अभी काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का जो सेगमेंट है इनका, ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है रिसेंटली। और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के लिए भी ये लोग माने जाते हैं, जिसके अंदर ये ड्रोन और रोबोटिक्स, AI, VR पे फोकस कर रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी पे फोकस कर रहे हैं ये लोग। अब जो DRHP फाइल किया है इस कंपनी ने, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जिसे कहते हैं, तो उसमें इन्होंने बताया कि जो 76% बिजनेस है इसका वो कोविड के कारण हिट नहीं हुआ है, जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। बचा हुआ जो 24% है उसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आया है, जिसके अंदर हेल्थ केयर भी है और साथ ही साथ ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो है वो भी है। जो 76% बिजनेस हिट नहीं हुआ है कोविड के कारण, उसके अंदर से 42% जो बिजनेस है वो एड्यूटेक और हाईटेक की वजह से आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है और उनको कोविड के कारण कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ ये जो सेगमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। रिसेंटली ही देखा गया है कि पिछले 2 सालों में इन्होंने 20% की ग्रोथ दिखाई है CAGR। साथ ही साथ जो इनका EBITDA मार्जिन है वो 19% से ग्रो कर रहा है। और रिसेंटली इसके फाउंडर ने कहा है कि इसको नेक्स्ट ईयर तक 22% तक लेके जाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स की, इस कंपनी के परफॉर्मेंस की। तो 2018 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 486 करोड़ के आसपास था, और 2020 में इसको 713 करोड़ के आसपास लेके गए हैं ये लोग, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 49% का जंप है इन 2 सालों में। साथ ही साथ इनका प्रॉफिट जो है वो भी बड़ा है। 2018 में ये जो कंपनी है इसने लॉस इनकर किया था, और रिसेंटली ही जो क्वार्टर का रिजल्ट आया 2020 में, तो उसके अंदर इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है 33 करोड़ का। अब बात करते हैं इनके जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो कैसे हैं और कहाँ से हैं। तो इनके जो ज़्यादातर क्लाइंट्स हैं वो US से हैं। US से वो इनकी सर्विसेज लेते हैं, डिजिटल सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज या प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की जो सर्विसेज है वो। साथ ही साथ इस कंपनी के फाउंडर अशोक सूता जी होने के कारण इस कंपनी पे फॉरेनर्स का या दूसरी कंपनीज का भरोसा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये वेटरन है, दूसरी कंपनीज में भी काफी ज्यादा टाइम सर्व कर चुके हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं करता है। और इनको काफी ज्यादा अच्छे कस्टमर्स इनके इनिशियल ईयर्स में मिल चुके हैं इसके फाउंडर के कारण। तो इसके जो टॉप 10 क्लाइंट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 45-50% जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसका कवर करते हैं। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है 713 करोड़ रुपीज़ का, उसके अंदर से 46% जो इनका रेवेन्यू है
वो आता है इनके टॉप 10 क्लाइंट से। अब ये काफी ज्यादा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि 46 से लेके 50% का जो इनका रेवेन्यू है अप्रॉक्सीमेटली वो इनका टॉप 10 क्लाइंट से आता है। तो अगर इनमें से इनके जो टॉप 10 क्लाइंट है इनमें से अगर इनके एक या दो क्लाइंट भी अगर मिस होते हैं तो इनको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है इस चीज में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो फोकस है वो काफी ज्यादा चीजों में डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन से लेके IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो ये सब सेगमेंट्स जो है इसके अंदर फोकस कर रहे हैं। और इसमें से ड्रोन का और रोबोटिक्स का जो सेगमेंट है वो इन्होंने रिसेंटली चालू किया है और साथ ही साथ इन्होंने रिसेंटली ब्लॉकचेन पे भी काम करना चालू किया है विच इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। सो आगे जाके इसका भी उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो ये जो कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड, इसका जो IPO है टोटल 702 करोड़ रुपीस का आ रहा है जिसमें से 110 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू रहेगा। बाकी जो बचा हुआ 592 करोड़ रुपीस है वो ऑफर फॉर सेल है जिसके अंदर जो पुराने स्टेक होल्डर्स है वो अपना शेयर बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। JP Morgan एसेट मैनेजमेंट है वो अपना 19.3% का स्टेक बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ स्टेक है वो इस कंपनी के फाउंडर जो है वो ही बेच रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ 110 करोड़ रुपीस है वो इस कंपनी को डायरेक्टली मिलेगा जिसके अंदर ये अपने करंट ऑपरेशंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे और फ्यूचर के लिए यूज करेंगे इसको। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 702 करोड़ रुपीस में 592 करोड़ रुपीस जो है वो इसके जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको मिलेगा और बचा हुआ जो 110 करोड़ है वो कंपनी के पास जाएगा। अब ये जो कंपनी का IPO है वो 7th of September से खुल रहा है जो कि 9th of September तक चलेगा और इस कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 17th of September को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होने की उम्मीद है। इस कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 165 रुपीज़ से लेकर 166 रुपीज़ तक का है और मिनिमम आपको इसका एक लॉट परचेस करना पड़ेगा जिसके अंदर 19 शेयर्स है। तो 90 शेयर्स इंटू 165 या 166 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 14,940 रुपीज़ का आता है। तो IPO के अंदर आपको अगर अप्लाई करना है और आपको नहीं पता है कैसे अप्लाई किया जाता है IPO के अंदर तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि IPO के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो लास्ट में बात करते हैं क्या मैं इसके अंदर अप्लाई करने वाला हूं या नहीं करने वाला। तो अगर इसके फाइनेंशियल देखे जाएं तो काफ़ी ज़्यादा सेफ नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन मैं स्टिल इस कंपनी में बैठ करना चाहता हूं क्योंकि इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड मैन है IT इंडस्ट्री के अंदर और इनकी काफ़ी शानदार हिस्ट्री रह चुकी है पिछले सालों में। तो अभी अभी ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर आई है, इसके आने वाले क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो देखना ज़रूरी है। ये कंपनी नेट डेट फ्री है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है डेट की। बाकी इसकी जो ग्रोथ है अगर वो इंटैक्ट रहती है आने वाले समय में भी तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसको रिव्यू करना भी ज़रूरी रहेगा। तो लेट्स सी देखते हैं कैसा ये जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस IPO के अंदर तो प्लीज़ कमेंट करिए और अगर आपको प्रोसेस जानना है तो उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए तो मैं उसके बारे में आपको जल्द से जल्द बता सकूँ। और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी सीख सकें IPO के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना है।